ये सब आपके रिश्तेदार हैं? बिजनेस पार्टनर है जी। ये दीदी बंगाल में बिजनेस संभालती हैं, वो चाचा बिहार में, ये यूपी में, ये मुंबई में और ये चेन्नई में, और इन्होंने हाल ही में खोली है दुकान दिल्ली में। पूरे देश में बिजनेस फैला है जी, सब कमाते हैं। और मेरी बात तो खाते हैं। इंडियन चीज है, चाइनीज नहीं। दूल्हे तो आप ही हो ना? और कौन होगा जी। देखिए, दादी का दिया हुआ सब कुछ है, सरनेम है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, मतलब मिल जाएगी शादी के बाद जी। हेलो, दूल्हा कौन होगा ये डिसाइड नहीं हुआ है अब तक। दूल्हा हम बनेंगे, इज्जत की कोई कमी नहीं है। ए भाई, तुम तो रहने ही दो, हमारी दुकान इसे काफी बड़ी है, दूल्हा तो हम ही बनेंगे, है ना पापा? पापा पापा सब बर्बाद। इसको तो हम बिहार में दूल्हा बना देंगे, लेकिन यहाँ पे दूल्हा हम ही बनेंगे। ओ काका, सारी शादियाँ क्या आपके ही घर में होगी क्या? और हम क्या यहाँ यू ही दुकान खोल के बैठे हैं क्या? ओ भाई, पिछली बार भी किसी दूसरे की बारात में दूल्हा बन गए थे आप, इस बार आपकी दुकान भी आपके नाम से नहीं है। अरे रुको 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 रुको, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओ दादा, दूल्हा तो इनके मैनेजर ही बनेगी। दूल्हा तो छोटे बाबा ही बनेंगे। वही बोल रहा हूँ, हम क्यों नहीं बन सकते? ये दूल्हा नहीं, दूल्हा हम बनेंगे। आनी माँ से कहा है, मैं बनूंगा दूल्हा। अरे दूल्हा मैं बनूंगा। घर का टेंशन मत लो अंकल, शादी के बाद तो घर हमारा ही होगा ना। आपको लगता है ये अपने बीच दूल्हा चुन सकते हैं? तो प्रधानमंत्री कैसे चुनेंगे? खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार।